आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 5 दिन के दौरे पर 12 अक्टूबर को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रवास के अंतिम दिन शनिवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में लगाया जनता दर्शन का कार्यक्रम। लोगों की सुनी फरियाद, निस्तारण का दिया भरोसा। कानपुर के व्यापारी मनीष हत्याकांड में 1 लाख के इनामी छठवें और आखिरी अभियुक्त उप निरीक्षक विजय यादव को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। नवरात्रि पर्व के अवसर पर 5 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को अपने गृह जनपद पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण के दौरान अपने पालतू ब्लैक लैब्राडोर कुत्ते गुल्लू को दुलारा किया, शेक हैंड कहा, दिया जाए प्रशिक्षण। श्री श्री रामलीला समिति आर्य नगर के तत्वावधान में मानसरोवर स्थित मैदान में चल रहे रामलीला मंचन में राम भरत मिलन और श्री राम राज्याभिषेक का हुआ मंचन। सदर सांसद ने उतारी राम दरबार की आरती, कहा जल्द तैयार होगा अयोध्या में भव्य राम मंदिर। शमपुर तहसील समाधान दिवस पर डीएम वाईएसएसपी ने सदर तहसील सभागार में सुनी फरियादियों की फरियाद, निस्तारण के दिए निर्देश। सदर सांसद रवि किशन ने गिनाया योगी सरकार के 4.5 वर्षों की उपलब्धि, कहा उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर है अग्रसर। 2022 में विकास, भ्रष्टाचार, रोजगार के मुद्दे पर लड़ा जाएगा विधानसभा का चुनाव, दोबारा बनेगी प्रदेश में योगी सरकार। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक, वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर जताई नाराजगी, कहा बढ़ाई जाए वैक्सीनेशन की रफ्तार। पीआरवी 0332 की टीम ने चौरी चौरा थाना क्षेत्र के तरकुलहा मंदिर स्थित शराब की दुकान में हुई चोरी के अभियुक्त को तत्काल किया गिरफ्तार, 1,32,000 रुपए किया बरामद। प्रोत्साहन राशि हटाकर नियमित मानदेय किए जाने की मांग को लेकर ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्त्री कल्याण सेवा समिति के प्रतिनिधि मंडल ने सदर सांसद से किया मुलाकात, सौंपा मांग पत्र। सांसद ने दिया आश्वासन, कहा संसद में उठाऊंगा आशा बहुओं के मानदेय की आवाज। शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 85 केंद्रों पर 12,509 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। प्रथम डोज लेने वालों में 3,561 और दूसरी डोज लेने वालों में 8,948 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का। और पांडालों में विराजमान मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन शुक्रवार की देर रात के साथ शनिवार को भी रहा जारी। डीजे की धुन पर मां भक्तों ने नम आंखों से की मां दुर्गे की विदाई, सुरक्षा के रहे व्यापक प्रबंध।